गाइस आपको पता है सर्दी आ चुकी है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रम ना पिएं। आज हम ट्राई करने वाले सभी प्रकार की ओल्ड मॉन्क इंक्लूडिंग ओल्ड मॉन्क कॉफी। तो देरी किस बात की है, ले आओ ओल्ड मॉन्क कॉफी। अभी तक की बेस्ट कॉफी फ्लेवर्ड लेकर पी है मैंने। कहाँ थी ये अभी तक? टू विंटर्स। ओ भाई साहब, आज हम वीडियो करने नहीं आए, आज आप और हम बैठ के पियेंगे। तो सबसे पहली ओल्ड मॉन्क, सबसे चहेती ओल्ड मॉन्क भाई, ये वाली ओल्ड मॉन्क अभी भी काफी सस्ती है, 450 रुपए की पूरी बोतल आ जाती है। ये है प्यार। गाइज बिफोर वी स्टार्ट वी वांट टू शो यू कि आज की एक हीरो ओल्ड मॉन्क जो हमारे पास है वो दिखा देते हैं आपको। ओल्ड मॉन्क कॉफी, लाइफ में कभी इसके बारे में सुना नहीं, ये मुझे पता भी नहीं एग्जिस्ट करती है। आज इन लोगों ने मुझे बताया भाई ये भी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं ओल्ड मॉन्क कॉफी के लिए। ये पियेंगे लास्ट में। आई थिंक Time for some party. देखो रम है, कोक के बिना ये अच्छी नहीं लगती। I think legit combination. और ये नीचे पड़ी थी, मुझे पता भी नहीं था। चलो, cheers. क्या नींबू पानी रिफ्रेश करता है, ये पी के देखो कभी। सेम टेस्ट, नॉस्टैल्जिया, सर्दी वाला एंड नॉस्टैल्जिया तो ऐसे बचपन से भी। आप पता लगा ये स्कूल से लेट क्यों आती थी अंकल? रम पीती थी ये बस स्टैंड के पीछे। घट्टू ही था वहां पे भी। हमने आज मखाने मंगाए। वो क्या रम है, मजा आ जाता है, इमोशंस। और ये मेरी सर्दियों की पहली रम है। मेरी भी यार, आई मीन मुझे याद है घट्टू लास्ट टाइम हमने जब वो स्टेयर्स वाला शूट करा था तो तूने और मैंने घर जाके रम पी थी, बिकॉज बहुत ठंड थी। वैसे लग रहा कल की बात है, वो वीडियो नहीं देखा तो येरा मैं उसमें जीता था यार। ओ हो 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 हो। देखो आज तो हम पीने आए, आज हम वीडियो करने नहीं आए, आज आप और हम बैठ के पियेंगे सिर्फ और गहराई वाली बातें करेंगे। देखो हम इसको रेट नहीं करेंगे, हम सारी ओल्ड मॉन्क ट्राई करने के बाद ना इनको आपको ऑर्डर में लगा के दिखाएंगे कौन सी किसके बाद आनी चाहिए, कौन सी सबसे बढ़िया बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अगली ओल्ड मॉन्क की तरफ। बढ़ क्यों नहीं पा रहे हम? अब बढ़ेंगे। This is Old Monk Gold Reserve. अब ये ओल्ड मॉन्क जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसका रेट बढ़ता जाएगा, इसकी पैकेजिंग प्रीमियम होती जाएगी। गोल्ड रिजर्व नाम में आप समझ के होगे, थोड़ी महंगी है ये। ये है 550 रुपए की, जो पिछली वाली थी वो थी 450 रुपए की। एंड ये हम आपको हरियाणा का रेट बता रहे हैं, आपके वहाँ पर चेंज हो सकता है रेट, ठीक है। डाल भाई पैक डाल। जो पिछली वाली मतलब इसमें थोड़ा स्वीट नोट्स है यार। स्वीट नोट्स है, बिल्कुल है स्वीट नोट। एंड आप कलर भी देखोगे ना दोनों का मैच करके तो उसमें भी फर्क है। ये देखो इसमें और इसमें फर्क देखो, ये ज्यादा डार्क है और ये थोड़ी लाइट है। मुझे याद है नीरज ने बताया था कि बैंगलोर में ना वो मिलते हैं टेट्रा पैक। अरे हमने पिए बैंगलोर में जाके टेट्रा पैक। इस बार हम गए तो हमने टेट्रा पैक से पिया यार, वो भी बहुत सही लगता है। मुझे पता नहीं उसका यूज क्या है, क्यों इतना खुश होते हैं लोग कि टेट्रा पैक है ओल्ड मॉन्क का। भाई तो दारू कभी ऐसे पैकेज पैक्स में आई नहीं है ना आपने, या तो शादीपुर जाके देखना थैली में मिलती है मेट्रो यहीं पे है पटेल नगर के पास। देसी अगर किसी ने पियो पहले तो घूमा है सर घूम रहा, अच्छी होती है यार। मेरा रम के साथ एक्सपीरियंस रह चुका है, जब मैंने दूसरी या तीसरी बार रम पी थी ना पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। और मुझे ये भी याद है कि मैं किसी को तो बहुत बहुत बोली हूँ भाई, बहुत सुनाया तूने किसी को? बहुत सुनाया मैंने। अंकित, अंकित नहीं था वो। रम की अगर डिसरिस्पेक्ट करो ना तो वो देसी संतरा बन जाती है छूटते ही। और यार 5 लाख सब्सक्राइबर करा दो यार, मैकेलन कब पियेंगे हम? मैकेलन पीनी है यार, हम वेट कर रहे हैं यार। गार्लिक ब्रेड खा रहा चुप चुप के पीछे। एक पीस तो दो। हमारा डोमिनोज का वीडियो नहीं आज, बट हम साथ में गार्लिक ब्रेड भी खाएंगे। पीना है उसको, मेरे को ना छोटा छोटा दिख रहा है अब सब। क्योंकि मुझे तो ये चढ़ गई अब सच में। अगली ओल्ड मॉन्क की तरफ। Just look at this, so cute. Supreme Premium Triple X Rum. And if you don't know, ये शॉर्ट ग्लास होता है।
ये तो ये उसके जैसी है जो हमने पहले पी थी सबसे, उसका बेटर वर्जन। ये कितने 750 रुपए की है? 450, 550, 750। कितने कितने पड़ रहे उतने। इसमें वनीला का एसेंस बहुत आ रहा है। मुझे इसमें नहीं आया, बट मुझे इससे पहले वाली में आया था। मैं तो शॉर्ट ही खींचूंगा, पानी नहीं मिलाऊंगा। ओह माय गॉड, कोक के साथ ऐसा लग रहा है मैकफ्लोट पिया मैंने। काफी टेस्टी थी यार। ओह यस, इसमें प्रॉपर वनीला का फ्लेवर आ रहा है यार आफ्टर टेस्ट। अंकल आप तो बड़े स्वाद हो। गट्टू तुझे चढ़ गई है, तेरी आंखें बता रही हैं। ये वाली रम बहुत बढ़िया थी। आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा है, पीने में बिल्कुल भी ऐसे ऐसे भपका नहीं आया, या फिर ऐसे पीते ही इससे बहुत हार्ड लिकर नहीं है ये। अगली ओल्ड मॉम की तरफ बढ़ते हैं। यस। जो ओल्ड मॉम के एकदम फेस होता है पूरा का पूरा। आई लाइक द फैक्ट अबाउट ओल्ड मॉम किस, अपनी बॉटल्स की जो पैकेजिंग है ना उसमें इतनी जान लगाई है ना यार, दैट्स द बेस्ट पार्ट। मुझे देख रहे थे, मैंने मुंह उधर कर दिया। टू विंटर्स भाई, वाह वाह। और ये सबसे आई थिंक दिस इज द स्मूदेस्ट ओल्ड मॉन्क अभी तक जो हमने पी है। ऑल्सो गाइज, मुझे आज ही सुबह पता लगा एक चीज और, अगर आप पूरा दिन पानी अच्छे से पीते हो ना, रात को अगर आप दारू पियोगे ना, अगले दिन आपको हैंगओवर नहीं होगा। और यहाँ तो सुबह आलू के पराठे खा लो। देखो गाइज, ये बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। इसके नोट्स हमें नहीं पता चले हैं क्योंकि हमने कोल्ड ड्रिंक मिला रही है और उसके बाद हमें रम एंड कोका टेस्ट आया जैसी होती है। नोट्स का क्या करोगे आप? आपको पता हम कौन सोर्स तो है नहीं भाई। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, बैंक में इंपॉर्टेंट होते हैं बस नोट्स। अरे ये दारू अच्छी है, पी लो। गट्टू भाई आंखें बंद हो गई। गट्टू, ऑल आईज आर ऑन यू। और खत्म कर ले वो हेलो। ओ भाई साहब। फाइनली वो टाइम आ गया है, नींद आ रही थी, अब हम कॉफी से नींद खोलेंगे। ओल्ड मॉन्क कॉफी निकालो, गिरीशा की बोतल निकालो। मैंने और गट्टू ने आज तक ये पी नहीं है कभी भी, और मैंने सुना भी नहीं है भाई। देखो गाइस, ये हमें बहुत मुश्किल से मिली है, ये प्रोडक्शन ने भाई ढूंढ के लाई कहीं से, बट अदरवाइज ये इजीली अवेलेबल नहीं है। ओ महंगी बात साहब, कितनी टेस्ट स्मेल कॉफी, कितनी बूंद आ गई थी ना नाक में। काफी कॉफी हो गई है, कॉफी बाइट जैसी आ रही है। तूने कभी कॉफी बाइट ऐसे टेबल स्कूल में, टेबल में अंदर जो ऐसे बॉक्सेस होते थे डेस्क के, उसके अंदर कॉफी रखने वाले, ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके खाई है? पराठा खाया ऐसे मैंने। भाई साहब, आई स्वेयर अभी तक की बेस्ट फ्लेवर्ड कॉफी लिकर पी है मैंने। नहीं, अभी तक की बेस्ट कॉफी फ्लेवर्ड लिकर पी है मैंने। बंद हो एक और बार, मैं काला कुत्ता काट लेगा। लेट्स हैव इट ऑन द रॉक्स ओनली। सबसे ज्यादा टेस्टी रम, और ये नीट ऐसे पी जा रही है जैसे पता नहीं पानी हो। आज मैं टीयूजी को थैंक यू बोलूंगा, मेरे को तरह तरह की दारू पिलाई और आज कॉफी फ्लेवर्ड ओल्ड मॉन्क पिलाई। वाओ, इनफैक्ट जिन भी आती है जो कॉफी फ्लेवर है, बट मेरे को नहीं लगता इसके आगे कोई स्टैंड कर रही है अभी तक, क्योंकि तो सूट ही नहीं करती। आप नीट पी सकते हो यार इसको, दैट्स द गुड पॉइंट। ये नीट पीने के लिए बनी है भाई, इसमें क्या मिलाओगे? तुझे सर पे रखनी आती है? हाँ, ये सब नहीं करने को बोला था। बॉबी देओल को नहीं देखा? बॉबी देओल को तो किसने नहीं देखा। अब इट इज सो गुड, अगर आप रम पीते हो तो प्लीज प्लीज ट्राई दिस। आई नो बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको ये, बट लेकिन जब भी मिले ना प्लीज डेफिनेटली ट्राई करना। सो ये थी हमारी आज की लास्ट और सबसे यूनिक ओल्ड मॉन्क, मजा ही आ गया मुझे ये पी के, एंड इसके बाद हमारा सच में टाइम आउट हो गया।
टाइम आउट क्यों है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो TOG की ब्रांड न्यू सीरीज कॉल्ड टाइम आउट, जिसमें हम सेलिब्रिटीज को उनके बिजी लाइफ से एक टाइम आउट देते हैं। एंड हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस करी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो यहाँ है, प्लीज वॉच। एंड अब आपको हम बताते हैं कौन सी ओल्ड मंक सबसे पहले आएगी और कौन सबसे लास्ट में। हम दोनों के अकॉर्डिंग ले आओ बोतलें सारी भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बेस्ट एस, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद वो। गोल्ड रिजर्व सबसे लास्ट में, ऐसे मतलब कोई पर्सनल नहीं है ब्रो, बट बाकी बहुत अच्छी बना दी तुम्हारे, मतलब ओनर से बात करना। दिस इज द विनर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना विद आपके चाचा मासी फूफा फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अर्बन गाइड।